जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले के विरोध में हर तरफ शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि भारत के खिलाफ वो हर दिन नए हथकंडे अपना रहा है। कश्मीर मुद्दे पर दुनिया को इस्लाम के नाम पर भड़काने में नाकाम होने के बाद अब पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सियासत को बचाने के लिए नया दांव चला है। पाकिस्तान अब सिखों को मोहरा बना रहा है। इसी के तहत वो पाकिस्तान में सिखों का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सिखों से सोशल मीडिया पर भारत विरोधी बयान देकर सिखों को भड़काने का प्रयास कर रहा है। इस सम्मेलन के बहाने वो भारत के विरोध में चल रहे खालिस्तानी मूवमेंट को हवा भी दे रहा है। इसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान पंजाब प्रांत में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सिख सम्मेलन करने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से कम 50 सिख विद्वानों को आमंत्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने पंजाब प्रांत के राज्यपाल सरदार उस्मान उर्दा बुरदार को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सिख सम्मेलन आयोजन करने का आदेश दिया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान इस सम्मेलन में शिरकत करने आए सिख विद्वानों से कश्मीर मसले को उठाने की अपील करेगा। ये सम्मेलन 31 अगस्त से 2 सितंबर तक लाहौर में आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन में भारत, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों के सिख विद्वान शामिल होंगे। वर्तमान परिस्थितियों में बाबा गुरु नानक युग की प्रासंगिकता इस सिख सम्मेलन का विषय रखा गया है। इस कार्यक्रम को लेकर पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने 50 सिख विद्वानों के लिए वीजा भी जारी कर दिया है। सूत्रों के अनुसार इस सम्मेलन में भारत से सबसे अधिक सिख विद्वानों को आमंत्रित किया गया है। भारत से लगभग 11, अमेरिका, फ्रांस 1-1, कनाडा से 7 और अन्य देशों के सिख विद्वान इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पंजाब प्रांत सरकार के सूत्रों के अनुसार सभी अतिथियों को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अधिवेशन लाहौर में गवर्नर हाउस में आयोजित किया जा रहा है। बता दें, खालिस्तान मूवमेंट उन राष्ट्रवादी सिखों का आंदोलन है जो पंजाब के रूप में एक अलग राष्ट्र चाहते हैं। अभी हाल ही में सिंगर और रैपर हार्डकोर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते और भारत व केंद्र सरकार को अपशब्द कहती दिख रही थी, जिसमें वो खालिस्तान समर्थकों के साथ खड़ी होकर उनके पक्ष में बातें करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद हार्डकोर पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ था। पाकिस्तान भारत से बदला लेने के लिए विदेशी जमीन पर पनप रहे खालिस्तान मूवमेंट में शामिल सिखों को भारत के खिलाफ प्रयोग करने का नापाक मंसूबा बना रहा है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने न्यू सिख फॉर जस्टिस और सिख फॉर जस्टिस को गैर कानूनी घोषित करते हुए उस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय के मुताबिक ये संगठन खालिस्तान के नाम पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, जिससे खासतौर पर पंजाब की हालत बिगड़ रही थी। सरकार ने यह फैसला देश के कई सिख संगठनों से विचार विमर्श के बाद लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।